नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे आइबुप्रोफेन टेबलेट के बारे में। आइबुप्रोफेन टेबलेट होती है, उसका बारे में हम जानेंगे कि इसका यूजेस क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इसका डोजेस क्या होता है और वो मोड ऑफ एक्शन क्या होते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, आइबुप्रोफेन के बारे में। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तो आज हम जानते हैं आइबुप्रोफेन। तो आइबुप्रोफेन क्या है, एक NSAID है, यानी नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। NSAID ड्रग में आता है। तो इसका यूज़ मेनली किया जाता है फीवर, पेन और इन्फ्लामेशन में, मतलब अगर किसी बुखार है उसको कम करने के लिए पेन में, और एक इन्फ्लामेशन जो सूजन आती है उसमें भी, इन तीनों चीज़ों में मेनली इसका यूज किया जाता है। तो फीवर में क्या करता है ये कि जो टेम्परेचर हाई हो जाता है बॉडी का, उसको कंट्रोल करने में काम करता है ये आइबुप्रोफेन टेबलेट होती है, जो क्या करती है बॉडी टेम्परेचर को कम करने का काम करती है। अगर ये पेन में अगर बात करें तो माइल्ड टू मॉडरेट पेन को रिड्यूस करती है, मतलब पेन को कम करने का काम करती है, और एक इन्फ्लामेशन को कम करती है सूजन। इसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो पेन होता है, दर्द होता है हड्डियों का, जो जोड़ों का दर्द होता है, उसमें भी इसमें हेल्पफुल होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी इसका यूज़ किया जाता है। मस्कल स्केलेटन डिजीज, जो मसल्स से प्रॉब्लम होती है, जो मसल्स में पेन होता है, वो बैक पेन हो गया, जैसे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो जाती है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। डिसमेनोरिया, जो मेंसेस जो पीरियड पेन होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड में पेन होता है, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। डेंटल पेन, जो दांतों का दर्द होता है, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। जो प्री और पोस्ट ऑपरेटिव से सर्जिकल होता है, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो इसका यूज मेनली पेप्टिक अल्सर में नहीं लेना चाहिए, उस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। पेप्टिक अल्सर हो आपको, या GI ब्लीडिंग होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है, तो भी आप नहीं लेना चाहिए। अगर अस्थमा पेशेंट हो आप तो भी इसकी नहीं लेना चाहिए, जैसे सीने में जलन या हार्ट बर्न जैसी चीज़ें हो, या सेंसिटिविटी हो किसी चीज़ से, उससे भी उस कंडीशन में भी इसको नहीं लेना चाहिए। और इसके क्या है, साइड इफेक्ट भी कुछ देखने को मिल सकते हैं, तो जैसे नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक हो सकता है, रेसेस, एसिडिटी, ये प्रॉब्लम है जनरली, इसके साइड इफेक्ट दे सकते हैं। तो इसके अगर डोजेस की बात करें हम, के अकॉर्डिंग टू डोज कैसे लेना चाहिए, ये क्या है 200 mg में आती है और 400 mg में आती है। तो इसमें अगर डोजेस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू वेट के हम करें, इसके मतलब वेट वजन के हिसाब से, अगर 7-7 kg से कम का बच्चा है तो उसको तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए आइबुप्रोफेन। 7 kg से कम है तो उसको नहीं देना चाहिए, और इससे अगर 10 kg से हैं तो उसको 150 mg दे सकते हैं दिन में, थ्री टाइम्स, मतलब 150 mg 10 kg से वो। जिसके बाद 20 kg, अगर 20 kg का बच्चा है कोई, तो उसे 300 mg दे सकते हो आप दिन में 3 times, और एडल्ट पर्सन है तो उसे 400 mg दे सकते हो 3 times या 4 times दिन में। तो ये इसका क्या है डोजेस की बात है। ये एक्शन की बात क्या करें, मोड ऑफ एक्शन है इसका, कैसे क्या काम करता है। तो जो क्या करता है कि हमारी बॉडी में या तो इन्फेक्शन, इंजरी कुछ भी हो जाता है, उस कारण से हमें क्या होता हो सकता है, इंजरी, इन्फेक्शन कुछ भी होगा, तो उस कंडीशन में हमारा जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा तो ये क्या है कि फीवर और हमें पेन होने लगेगा, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन बढ़ेगा तो उस कंडीशन में पेन फीवर होगा। तो उसको रोकने के लिए ये मेडिसिन अपन ले लें तो ये कंट्रोल करती है प्रोस्टाग्लैंडिन को, सिक्रेशन को ब्लॉक कर देता है, कम कर देता है, और जो पेन और इंजरी से, फीवर से हमें रिलीफ मिल जाती है, पेन हो या फीवर, इससे हम क्या आराम मिलता है। तो इस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। तो मेनली आइबुप्रोफेन का यूज हम फीवर, पेन और इन्फ्लामेशन, तीनों ही कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। और इसको एक बार लेने से पहले अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा लें, इसके बाद ही लें, क्योंकि इसके कोई सीरियस साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए अपने एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करवा लें, इसके बाद ही इसको लें। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।